नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अरुण देशमुख, आपका मित्र। और अलग अलग कायदे कानून के विषय में मैं वीडियोस आपके सामने पेश करता हूं। मुझे विश्वास है कि ये आपको वीडियो अच्छे लगते रहेंगे, और ये वीडियो अगर अच्छे लगते रहेंगे तो जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने को मत भूलिए। आज जो विषय में आपसे बात करना चाहता हूं वो है स्टैम्प पेपर और फ्रैंकिंग। अब बहुत सारे लोगों को दोनों विषय में, अगर स्टैम्प पेपर और फ्रैंकिंग में फर्क क्या है ये पूछे तो उनको ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि भाई दोनों में फर्क है। कई लोगों को लगता है बहुत फर्क है, कई लोगों को मालूम है कुछ भी फर्क। अब क्या फर्क है और दोनों के क्या फायदे, ये भी बताना चाहता हूं। पहली चीज है कि राज्य सरकार हर चीज के लिए, हर दस्तावेज के लिए एक मुद्रा निश्चित करती है। जैसे एफिडेविट हो, प्रतिज्ञा पत्र, उसके लिए 100 रुपये महाराष्ट्र में। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्यतार पत्र हो तो उसके लिए 500 रुपये। ऐसे अलग अलग दस्तावेज के लिए मुद्रांक निश्चित किया है। अब ये मुद्रांक भरने का जरिया जो है, या तो स्टैम्प पेपर के जरिए आप मुद्रांक भर सकते हैं और वो दस्तावेज पूर्ण कर सकते हैं, या तो आप फ्रैंकिंग करके दस्तावेज पूर्ण कर सकते हैं, या तो ई फ्रैंकिंग करके कर सकते हैं। अब स्टैम्प पेपर जब यूज करते हैं तो स्टैम्प पेपर आप आपके नाम से ले सकते हैं, उसके लिए आपके नाम से ले सकते हैं, आपके कंपनी के नाम से ले सकते हैं। और स्टैम्प पेपर एक जो रुपए का नोट वैसे ऊपर रखता है, 100 रुपए का अगर स्टैम्प पेपर, 100 रुपए का नोट छपा हुआ रहता है तो अच्छा लगता है सबको। तो स्टैम्प पेपर का एक अलग दिखने का अंदाज अलग है। अब उसके और उपरांत देखा, वकील के मदद से भी आप स्टैम्प पेपर ले सकते हैं, पर जब पावर ऑफ अटॉर्नी हो या तो एग्रीमेंट हो या पार्टनरशिप डीड हो तो आपके नाम से लिए तो ही अच्छा होता है। अब फ्रैंकिंग के बारे में सोचेंगे तो फ्रैंकिंग बैंक एक 10 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लेके फ्रैंक करती थी। अब फ्रैंकिंग का फायदा ऐसा है कि अलग अलग डिनोमिनेशन में अगर आपको चाहिए, मान लो 220 का आपको मुद्रांक भरना है तो स्टैम्प पेपर आप ला ही नहीं सकते। 100 रुपया 500 रुपये का स्टैम्प पेपर हो तो 220 का कैसा भरेंगे, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी 100-100 के 200 रुपये का लगाएंगे तो उसके बजाय आप फ्रैंकिंग 220 का कर सकते हैं। ये बीच वाला जो है वो फ्रैंक हो सकता है। अब फ्रैंकिंग में नुकसान क्या है कि अगर कोई दस्तावेज साइन किया हो या तो उसके ऊपर तारीख डाली हो तो फ्रैंक नहीं होता है। तो बिना तारीख डाले या तो बिना साइन किए हुए जो चीज है, दस्तावेज है, वो ही फ्रैंक करने के लिए आप ले जा सकते हैं। अब दोनों चीज ऐसी है कि जिसमें फ्रैंकिंग अगर किया हो तो वो आप 6 महीने के अंदर बाहर कुछ भी नहीं कर सकते, पर मुद्रा स्टैम्प पेपर के जरिए अगर भरा हो तो आप 6 महीने के अंदर वो वापिस भी कर, यानी यूज नहीं किया है तो आप कुछ पैसा कटता है वो वापिस भी ले सकते, यानी वापिस दे सकते। बहुत सारों को लगता है कि एक बार स्टैम्प पेपर यूज किया तो भाई 6 महीने के बाद वो यूज ही नहीं कर सके, वैसा नहीं है। स्टैम्प पेपर यानी जैसे आपकी जो नोट है, आपके किसी का जो 10 रुपए का या 50 रुपए का नोट है, जब तक वो बाहर निकाला नहीं जा सकता है तब तक वो बाहर निकाला गया, डीमोनेटाइज कर दिया तो ही आप यूज नहीं कर सकते। नहीं तो जब तक जो जिंदा है तब तक यूज कर सकते, वैसा स्टैम्प पेपर यूज कर सकते, पर 6 महीने के अंदर आप यूज करेंगे तो ही बराबर है, ऐसा बात दिमाग से निकाल। पर स्टैम्प पेपर एक अलग जरिया है, फ्रैंकिंग अलग जरिया, अभी ई फ्रैंकिंग भी कर सकते, ई फ्रैंकिंग का चीज आप ऊपर लगा के नोटरी कर सकते। ये तीनों करने के बाद आप वकील की मदद लो तैयार करने के लिए दस्तावेज, नोटरी कर दो, उसको कंफर्मेशन कर दो किसकी नोटरी के सामने बिफोर मी करके, तो दस्तावेज पूरा हो जाता है मुद्रांक सही भरने के बाद ही। और मुद्रांक भरने के 3 जरिए, मुझे लगता है ये तीनों जरिए जो है मैंने उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया रहेगा ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद।